वेल गाइस, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ एक और नया बहुत ही शानदार हिंदी वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नो, दैट्स नॉट माय लाइन। ओके गाइस, सो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे एसूस ने इतना बड़ा बॉक्स भेजा है। प्रीवियस जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा है कि इसमें क्या है, बट लेट्स सी, खोलते हैं और देखते हैं क्या दिया है यीशु ने हमें इस बार। वाओ गाइस, आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? जल्दी बताओ, फटाफट लाइक करो वीडियो को। तो गाइस, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम जहीर है, आप लोग देख रहे हो जहीर अंसारी का यूट्यूब चैनल, जिसपे आप लोग एकदम मसालेदार जबरदस्त टेक वीडियोज मिलेंगी, स्पेशली पीसी से रिलेटेड। तो अगर इंटरेस्ट है सब्सक्राइब कर लो, और अगर ज्यादा मजा आई ये वीडियो देखने में गाइस, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलो, ये जो है हमारा बॉक्स पूरा, बाय द वे कुछ बैकड्रॉप नहीं है। तो गाइज, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अगर जैसे कि कुछ बैकड्रॉप तो है नहीं, तो इस पैकेजिंग को बहुत ही शानदार तरीके से पैक करके एसुस वाले बॉक्स की। बॉक्स के हिसाब से तो अंदाजा लग रहा है, और मेरा अंदाजा सही हो सकता है कि ये शायद एक, नहीं बताऊंगा, अब वीडियो देखो, क्यों बताऊं मैं, बता दूंगा तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। बहुत जबरदस्त तरीके से पैक करते हैं यार ये लोग, पूरा स्टिकर स्टिकर एकदम, देख रहे हो, खुलता ही नहीं है साला। रुक जाओ यार, छुरी घुसेड़नी पड़ेगी अंदर। What the hell? क्या है ये? ओके, ये लैपटॉप लग रहा है। ओ या बेबे, ओ यस, दिस इज द लैपटॉप गाइज। ये है असूस का जेन बुक विद आम जिंदगी, और ये है असूस का जेन बुक विद मेंटोस जिंदगी। फक, ओवर एक्टिंग के 10 रुपए कट। तो मुझे गाइस ये असूस का जेन बुक असूस वाले ने भेजा है। वाओ मैन, क्या जबरदस्त दिख रहा है यार रावस, शिट, पूरा मेटल कंस्ट्रक्शन है, माय गॉड, वाओ यार। गाइस देखो जरा, क्या रावस दिख रहा है यार, पूरा जबरदस्त, माँ की आंख, पूरा ये साइड शैम्फर्ड एजेस देखो, वाओ, ऐसा एकदम ऐसा फील आ रहा है जैसे एकदम नया नया मैकबुक का फील आता है, वो टाइप का बिल्ड क्वालिटी बनाया गया, एक नंबर दिख रहा है यार। इसको जरा साइड में रखते हैं, उसके बाद कुछ तो है पेपर वर्क्स वगैरह जो अपने कुछ काम के नहीं है, और क्या है, और हमें पावर ब्लिक, पावर ब्रिक मिला है। और ये पावर ब्रिक जो है बेसिकली अडेप्टर है, 19 वोल्ट 2.3 एम्पियर, और कुछ तो है इसके पीछे, ओके कुछ भी नहीं है, तो बस इतनी चीज़ें मिली हमें अभी। चलो लैपटॉप देखते हैं फटाफट, मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि मेरे को इसके स्पेक्स कुछ भी नहीं पता है, बॉक्स पे शायद स्पेक्स लिखे होंगे, मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, बॉक्स पे गाइस स्पेक्स लिखे हुए, 14 इंच फुल HD डिस्प्ले है, 512 GB PCIe की जेन 3 SSD है, 512 GB की 2 SSD है, वाओ दैट्स ग्रेट। उसके बाद विंडोज और क्या है, 8 GB रैम है, 8 GB, जस्ट 8 GB रैम। प्रोसेसर कौन सा है भाई इसमें, चलो देखते, खोल के देखते, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, लेकिन कुछ भी बोलो, बिल्ड क्वालिटी तो बाप है इसकी, देख रहे हो क्या जबरदस्त दिख रहा है यार, मस्त। खोलते हैं, ओके, ओ एक सेकंड, देखो जरा क्या बनाया है यार। चलो अभी इसको ऑन करते हैं, देखते हैं बैटरी वगैरह है कि नहीं है। वाव यार, गाइज देखो जरा क्या जबरदस्त लुक आ रहा है इसका, गाइज आप लोग भी देखो, पूरा इधर स्पीकर्स एकदम मैकबुक के टाइप का बनाया, अच्छा ओके ओके। तो गाइज मैं आप लोग को नजदीक से दिखाता हूँ, ये देख रहे हो,
का बनाया है यार, जबरदस्त। इधर पे दो LEDs है, USB टाइप सी पोर्ट है, और ये तुम्हारा USB 3.0 पोर्ट है, एक HDMI फुल साइज HDMI बेसिकली चार्जिंग अडेप्टर का जो प्लग होता है वो है साइड में, पीछे साइड में लिखा हुआ है ZenBook सीरीज। साइड में अगर हम लोग आएंगे बेसिकली राइट साइड में, तो इधर पे एक USB 2.0 का पोर्ट है। सीरियसली आई फील ये USB 2.0 का पोर्ट है। उसके बाद एक अपना 3.5mm हेडफोन माइक्रोफोन जो भी आप कह लो जैक दिया हुआ है। गाइज यहाँ पे हमें मेमोरी कार्ड भी मिलता है, मेमोरी कार्ड नहीं मिलता, मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है। लास्ट टाइम पे मेरी असूस से एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि वो लोग माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देते थे जो हमारे काम कोई काम का नहीं है। और हाँ ये तो मैं बताने भूल गया, इस पे AMD राइजन 5 का स्टिकर लगा हुआ है, मतलब ये लैपटॉप जो है वो राइजन 5 पावर्ड है। बाप रे ये तो मतलब चलो देखते कैसा है, कौन सा प्रोसेसर दिया हुआ है, 3rd generation, 2nd generation, लेट्स सी। अभी तो चालू नहीं हो रहा है। ओके चालू हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ? जैसे आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने इस लैपटॉप को चालू कर दिया है, क्रोम भी डाउनलोड हो चुका है, तो चलो कुछ ट्राई करते हैं। ओके तो ये हार्मन गार्डन के स्पीकर है गाइज, दोनों स्पीकर सामने की तरफ है और बहुत ही ज़बरदस्त साउंड आ रहा है। स्पीकर्स तो काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। अभी टास्क मैनेजर खोल के देख लेते हैं क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मैंने अभी तक वो ही नहीं जाना। तो चलते हैं परफॉर्मेंस में, और इसके अंदर है राइजन 5 3500U। ओके तो मतलब जो 3500U है वो 3rd generation का प्रोसेसर है, उसमें 4 core और 8 threads है। ये छोटे से लैपटॉप में, पतले से लैपटॉप में 4 core 8 threads है। और जो ये राइजन 5 3200U है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और 8GB की रैम है और AMD रेडियन वेगा 8 का ग्राफिक कार्ड भी है, तो काफ़ी इनफ आई गेस। तो हम लोग इस लैपटॉप को प्रॉपरली टेस्ट करेंगे, और इसका फुल रिव्यू अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं इसका फुल रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा। बाकी एज ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन लैपटॉप बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है, तो ओवरऑल तो ठीक ही है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है, एक बार फिंगरप्रिंट स्कैनर भी टेस्ट कर देते हम लोग। तो ये खुला लैपटॉप, उसके बाद मैंने टच किया फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड, और खुल गया कमांड L, ये खुल गया फटाक से खुल गया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी फास्ट है, सो ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैं फ्यूचर में इसका फुल रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा। बाकी इतना ही था गाइस इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक दबा दो, शेयर कर दो वीडियो को। अगर गाइस मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा भी दबा दो, ताकि फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलती रहे इस चैनल के माध्यम से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।